अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर, लेक्चर नंबर 3। सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 12। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, सेपरेट द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर्स एज पर नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड राइट देयर नंबर नेम्स। हमें नीचे ए बी सी डी 4 डिफरेंट नंबर्स गिवन हैं और हमने इन नंबर्स को नेशनल और इंटरनेशनल दोनों में रिप्रेजेंट भी करना है और साथ में इनके नंबर नेम्स भी लिखने हैं। पार्ट ए सॉल्व करते हैं। ये नंबर हमें गिवन है पार्ट ए का। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है, ओके स्टूडेंट्स। प्रॉपर मेथड के साथ और प्रॉपर पैटर्न के साथ आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले हम नेशनल लिखेंगे तो नेशनल प्लेस वैल्यू, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड यस लैक। नेशनल में 10,000 के बाद हमारे पास क्या आता है? लैक। अब हम अपने डिजिट्स देखते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। वंस टू किस प्लेस पे है? वंस। थ्री टेंस प्लेस पे है, 500 प्लेस पे है, 4,000 प्लेस पे है, 6,000 प्लेस पे है एंड 7,00,000 प्लेस पे। अब यहाँ पे हम अपने कोमास लगा लेते हैं। वंस टेंस हंड्रेड नेशनल प्लेस वैल्यू में फर्स्ट 100 के बाद कोमा आता है, देन टू डिजिट्स के बाद आता है, तो यहाँ पे हम टू डिजिट्स के बाद एक और कोमा लगा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको एज ए नंबर नेम लिखते हैं। इसका नंबर नेम क्या होगा हमारे पास? 7,64,532। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर नेम लिख दिया मैंने 7,64,532। 7,00,000 के बाद कोमा, देन 64,000 के बाद कोमा एंड 532। अब हम इसे इंटरनेशनल में लिखते हैं। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड और टेन थाउजेंड के बाद यहाँ पर हमारे पास आ गया 100,000, जबकि नेशनल में हमारे पास क्या आया था? 10,000 के बाद लैक। इसके कोमास लगा लेते हैं। आप लोगों ने नंबर लिखने, नेम लिखने से पहले कोमास ज़रूर लिखने लगा लेने हैं, बिकॉज हमारा जो नेशनल है और इंटरनेशनल है, इनके जो हमारा लिखने का मेथड है वो उसके कोमे से ही डिफरेंट होता है। जिस तरह हमारे नेशनल के अंदर हम जब कोमास लगाते हैं तो हम 100 प्लेस के बाद लगाते हैं फर्स्ट कोमा, और फर्दर हम टू डिजिट्स के बाद कोमा लगाते हैं, जबकि इंटरनेशनल के अंदर हम थ्री डिजिट्स के बाद कोमा लगाते हैं। फर्स्ट हम वंस, टेंस, हंड्रेड, हंड्रेड प्लेस के बाद एक कोमा लगाते हैं, नेक्स्ट थ्री डिजिट्स के बाद लगाते हैं, बट हंड्रेड प्लेस, हंड्रेड थाउजेंड प्लेस के अगर कोई वैल्यू नहीं है तो हम इधर कोमा नहीं लगाएंगे, बिकॉज ये हमारा स्टार्ट है। अब इसका नंबर नेम लिख लेते हैं। हमारी थाउजेंड प्लेस एक साइड पर आ गई तो हम क्या लिखेंगे? 700 एंड एंड नहीं आएगा, एंड आपका सिर्फ लास्ट पर आता है टेंस प्लेस से पहले, ठीक है? 764,532। 764,532, 764,000 के बाद आप यहाँ पर कोमा लगाएंगे एंड 532 के बाद फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ये हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने सॉल्व करना है। पहले नेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, देन उसके कोमास लगाने हैं, देन उसका नंबर नेम, फिर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, उसकी प्लेसेस कोमास लगाने हैं और उसका नंबर नहीं। रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। हमें नीचे तीन पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमें प्लेसेस गिवन है, पार्ट बी के अंदर हमें नंबर्स गिवन है, और पार्ट सी के अंदर हमें मल्टीप्लिकेशन के बाद उनको ऐड करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म निकालनी है। सो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है नंबर्स को, जो हमें क्वेश्चंस गिवन हैं उनको सॉल्व करके।
पहले पार्ट ए देखते हैं। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8, 10,000, 5,000, 700, 9 10s एंड 3 1s। सबसे पहले हम यहाँ पे प्लेसेस लिखते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। 10,000 तक हमारे पास नंबर्स हैं। 1s प्लेस पे हमारे पास क्या है, 3। 10s प्लेस पे हमारे पास है 9। 100 प्लेस पे हमारे पास है 7। 1000 प्लेस पे हमारे पास है 5। एंड 10,000 प्लेस पे हमारे पास है 8। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। 100 प्लेस के बाद हमारे यहाँ पे कोमा आ जाएगा। अभी हमारे पास क्या बन गया है, 85,793। अब मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने लिखा है तो हम इसे सिर्फ नंबर्स में लिखेंगे, इसका नंबर नेम हम नहीं लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है पार्ट ए की। पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में हमारे पास नंबर्स गिवन है, हम पहले इनके प्लेसेस देखेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। 1s प्लेस में 1 digit नंबर होता है, तो 7 किस प्लेस पे होगा, 1s प्लेस पे। 6 क्या अगर सिर्फ 1 0 इट्स मीन की 10s प्लेस पे, तो 6 हमारा आ जाएगा 10s प्लेस पे। 400, 1s, 10s, 100, 4 हमारा 100 प्लेस पे है। 1s, 10s, 100, 1000, 7 हमारा 1000 प्लेस पे है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। अगेन काउंट करते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। 3 हमारा 100,000 पे है, इसलिए हम 10,000 को स्किप करके 100,000 पे 3 लिखेंगे। अब हमारे पास कोई रिमेनिंग नंबर नहीं है, तो इट्स मीन के 10,000 प्लेस पर हमारे पास आ जाएगा 0। 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000। हमने नंबर्स लिखनी है जो हमें गिवन थे। अब हमारे पास हमने इधर कोमास लगाने हैं। फर्स्ट कोमा कहाँ आता है, 100 प्लेस के बाद। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गई इसकी, 3, 100, 7,000, 467। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको पार्ट ए और बी की अच्छी तरह समझ आई होगी। पार्ट सी आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इसी तरह लिखेंगे। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।